Okay, all right, everybody, good afternoon and welcome back to the channel Master Mariner Amit Sangwan. In this video, we are basically going to familiarize ourselves with the cargo control room of a tanker ship. Okay, so this is how we enter inside, and this is our third officer on board, Mr. Prakash Mohanty, who will be the cameraman for today's familiarization, vlog, whatever it is. Okay, so rest of the video I'll be speaking in Hindi so everybody understands this. Prakash, say hi. Hello everybody. Okay, so I hand over it to the Prakash and he will turn the video towards me and I'll carry out the familiarization with the CCR. Okay, hi everybody. Normally I don't show my face to anyone in the videos, but now I've started with this thing, so vlogs and all, so I'll have to show my face. So hi everybody, my name is Amit and I'm from the channel Master Mariner Amit Sangwan. So we'll start with here. This is the first box where we enter in the CCR. This says it is a VEC safe oxygen and pressure monitoring alarm panel. So what happens is, do it in Hindi. कई बार क्या होता है जब आप टैंक्स लोड करते हो उस टैंक्स में से गैसेस बाहर निकलती हैं, गैसेस एनवायरनमेंट में जाती हैं, पोल्यूट करती हैं. तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं कि उस गैसेस को हवा में नहीं छोड़ने देते हैं, वो एक पाइप कनेक्ट करते हैं शिप पे. कार्गो लोड होता है और जो वेपर है वो उस पाइप के थ्रू वापस शोर पे जाता है. उसको मॉनिटर करने के लिए ये वेक सेफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर मॉनिटरिंग अलार्म पैनल दिया जाता है. इस टाइम ये यूज पे नहीं है तो ये बंद है. एक जो नेक्स्ट है वो है टैंक ओवरफिल अलार्म पैनल एंड हाई लेवल अलार्म पैनल. सो लेट मी फर्स्ट क्लोज द डोर सो नोबडी डिस्टर्ब्स अस. सो द डोर इज क्लोज्ड. ओके, सो दिस इज द टैंक ओवरफिल अलार्म एंड दिस इज द हाई लेवल अलार्म्स. जब कोई भी टंकी, तेल की टंकी 98% फुल हो जाती है तो ये टैंक ओवरफिल अलार्म बजता है. एक टैंकर जहाज पे किसी भी टैंक को 98% से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए. अगर कोई भी टैंक 95% भरता है तो ये हाई लेवल अलार्म बजता है. आप 95% भर सकते हो. अगर कोई टैंक 100% भर गया तो वो ओवरफ्लो हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है. तो बेसिकली वार्निंग साइंस होते हैं कि टंकी जब 95% भर जाएगी तब अलार्म आएगा, 98% भर जाएगी तब अलार्म आएगा. वो वार्निंग साइंस इस अलार्म से मिलते हैं. हर टैंकर शिप पे आपको ये अलार्म्स मिलेंगे. ये इनको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए होता है. अगर अलार्म कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं. देखिए अलार्म डेक पे भी बजता है. हम इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो ये आवाज हमें डिस्टर्ब करती रहेगी. तो ये हो गया हाई लेवल अलार्म, ओवरफिल अलार्म. आप चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ. अगर नहीं आ रहा है कि पीछे हो जाए फर्स्ट. तो ये जो है ये है हमारा आईजी सिस्टम कंट्रोल पैनल. जहाज पे इनर्ट गैस डालते हैं कार्गो टैंक्स में. सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई भी कार्गो डालोगे किसी भी कार्गो टैंक में तो वहाँ पर फायर होने के चांसेस हैं. फायर कैसे होती है, कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन प्लस अ सोर्स ऑफ इग्निशन कंबाइन, जिसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं, तो फायर हो सकती है. एक कार्गो टैंक के अंदर फ्लेमेबल सब्सटेंस तो कार्गो खुद है, सोर्स ऑफ इग्निशन बहुत है वहाँ पे. तो जो तीसरा सोर्स हमें कट करना है फायर का वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को कैसे कट कर सकते हैं, उस कार्गो टैंक में इनर्ट गैस डालते हैं. इस सिस्टम से हम कार्गो टैंक में इनर्ट गैस डालते हैं तो कार्गो टैंक में इनर्ट गैस होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं होता है और फायर नहीं होती है. यही मेन रीज़न है कि टैंक्स पे आग नहीं लगती. तो इनर्ट गैस सिस्टम है, यहाँ से चलता है. प्रकाश थोड़ा क्लोज लेना. इसको मैं इनर्ट गैस सिस्टम को समझा देता हूँ, बेसिकली पूरा फैमिलराइजेशन है. तो ये देखिए यहाँ पे होता है इंजन रूम में बॉयलर. उस बॉयलर के जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, जो फ्यूल जलता है तो उसके एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, उसको एक वॉशिंग टावर में डाला जाता है जिसको बोलते हैं स्क्रबर. एग्जॉस्ट गैसेस, मान लो आप कार चला रहे हो, कार के भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं.
उसमें से जब वो एग्जॉस्ट गैसें जलती हैं तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका होता है, आप वो गैस भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे जहाज़ पे एक बॉयलर होता है, जब वो चलता है तो उससे एग्जॉस्ट गैस निकलती हैं, वो तो वैसे भी निकलनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट निकलती हैं, लेकिन वो गंदी होती हैं, शूट होता है उनके अंदर और सारी वास गैसेज होती है जो हमें नहीं चाहिए। तो उसको एक वॉशिंग टावर में बोला जा डाला जाता है जहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हैं, डेमिस्टर्स लगे हैं, जहाँ पे इसको वॉश किया जाता है। तो ये गैसेस को धो दिया जाता है, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, सूट निकल जाता है, उसके बाद उस गैस को यहाँ से निकाल लिया जाता है और इसके ओवरफ्लो से नंदे पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। ये जो गैस निकलती है ये बड़ी साफ गैस होती है, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। यहाँ पे दो बड़े बड़े ब्लोअर हैं, पंखे हैं, यहाँ से ये पंखे इस गैस को खींचते हैं और डेक की तरफ धकेल देते हैं। डेक के ऊपर एक डेक सील होती है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले इनर्ट गैस सिस्टम्स, उस पर थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, ये प्रैक्टिकली शिप पे दिखा रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। तो ये डेक सील होती है, ये गैस डेक सील के अंदर जाती है और डेक सील से फिर ये डेक पे कार्गो टैंक में चली जाती है। तो ये डेक सील क्यों होती है, बेसिकली उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक टाइप ऑफ नॉन रिटर्न डिवाइस होता है, ये पानी का भरा रहता है, ये पाइप थोड़ा नीचे होता है ये वाला, तो ये गैस अगर वापस आती है टैंक प्रेशर की वजह से तो पानी इस पाइप में भर जाता है, जिसकी वजह से गैस इंजन रूम में नहीं जा पाती। अगर ये इनर्ट गैस जिसके अंदर की बहुत सारे फ्लेमेबल वेपर कार्गो के में मिक्स होते हैं, अगर ये वापस मशीनरी स्पेसेस में पहुंच गया तो ये पे एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये डेक सील है जो नॉन रिटर्न डिवाइस के एक्ट करती है, फिर यहाँ से ये डेक पे चली जाती है, डेक से कार्गो टैंक्स के अंदर चली जाती है। डेक पे एक पीवी वाल होता है, पीवी ब्रेकर होता है, वो वीडियो मैंने बना रखे हैं कैसे होते हैं देखिए। तो ये तो एक सिस्टम हो गया यहाँ से यहाँ तक जो ब्लोअर से मेन आईजी सिस्टम है। दूसरा, हमारे जहाज पे एक इनर्ट गैस जनरेटर भी है, थोड़ी क्वांटिटी में क्लीन इनर्ट गैस सब चाहिए होती है तो हम जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, इंजन रूम जनरेटर चला देता है बेसिकली और डायरेक्टली हवा हमें मिल जाती है, कुछ ब्लोअर वगैरह चलाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ के बाद सिस्टम सेम होता है, डेक सील में जाके डेक पे मिल जाती है। ये बेसिकली सारे अलार्म सिस्टम्स हैं, कौन कौन से अलार्म है, हाई टेम्परेचर अलार्म, लो टेम्परेचर अलार्म, डेक सील पंप फेलियर अलार्म, ये सारे अलार्म्स यहाँ पे आते हैं। तो CCR के अंदर बेसिकली ये आईजी पैनल होता है, यहाँ पे आईजी प्रेशर आता है, जैसे कि इस टाइम पे 50 है, 900 पे हमने इसको सेट किया हुआ है। ये आईजी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, इनर्ट गैस टेम्परेचर कितना है, ये रिकॉर्डिंग के लिए है बेसिकली, और ये सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए। तो ये हो गया हमारा इनर्ट गैस सिस्टम जहाज पे। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है फ्लेमेबल गैस कंट्रोल यूनिट। सो बेसिकली ये जो सिस्टम होता है ये बैलेस्ट टैंक के अंदर और कार्गो पंप रूम्स के अंदर होता है कि अगर गलती से कुछ लीक हो जाए गैसेस और वो पंप रूम में घुस जाए या बैलेस्ट टैंक्स में घुस जाए तो ये सिस्टम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड गैस डिटेक्शन सिस्टम। तो हमें यहाँ पे CCR में पता चल जाएगा अगर किसी टैंक में लीक हो गया तो बेसिकली कार्गो वेपर देगा, और कार्गो वेपर देगा तो हमें CCR में इंडिकेशन मिल जाएगा कि वहाँ पे कार्गो वेपर है, फिर हम जाके गैस मीटर से चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली वेपर है या फॉल्स अलार्म है या कुछ लीकेज है या नहीं। इस सिस्टम को बाद में कभी डिटेल में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना ही है ये पंप रूम के लिए है और ये वाटर बैलेंस टैंक्स के लिए है। फिर आते हैं इस पैनल की तरफ, ये हर जहाज पे ऐसा ही दिखेगा आपको। कार्गो को निकालने के लिए हमारे पास पंप्स होते हैं, इनको बोलते हैं COP कार्गो ऑयल पंप। ये है पंप नंबर 1, ये है पंप नंबर 2, ये है पंप नंबर 3। ये पंप नहीं है बेसिकली, पंप का कंट्रोल है, यहाँ से यहाँ तक एक पंप का, ये दूसरे पंप का, नंबर 3 पंप का। ज़्यादातर जहाज़ों पे तीन ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टैंकर्स पे 3 कार्गो पंप मिलते हैं। ये पंप के अलार्म से हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई लुब्रिकेट टेम्परेचर, हाई लुब्रिकेट प्रेशर, ठीक है, जो भी अगर मतलब सील लीक या फिर स्टफ बॉक्स टेम्परेचर या बियरिंग टेम्परेचर जो भी है वो यहाँ पे आते हैं। पंप का सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, जिससे कि हमें इंडिकेशन मिलता है कि पंप किस रेट पे चल रहा है। पंप की स्पीड के लिए टैकोमीटर होता है कि कितने रेवोल्यूशंस पे पंप मूव कर रहे हैं। ये पंप बेसिकली स्टीम ड्रिवन होते हैं, तो स्टीम चेस्ट प्रेशर मिलता है, स्टीम का एग्जॉस्ट प्रेशर मिलता है, और एक होता है सेपरेटर, पंप के पहले छोट की सी टंकी रहती है। ये जो पंप होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, ठीक है, ये जो कार्गो जिस रेट से फ्लो करता है उसको पकड़ के ये बाहर फेंकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेपरेटर भरा रहता है।
से आप पंप को कंट्रोल कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, इसको गवर्नर बोलते हैं। ये पंप का स्टॉप है, ठीक, ये पंप पे डिस्चार्ज वाल्व है, ये ऑटो फिनिश है। बेसिकली सिस्टम को AUS ऑटोमेटिक अनलोडिंग सिस्टम होते हैं, पंप नंबर 1 के लिए, पंप नंबर 2 के लिए, पंप नंबर 3 के लिए। तो बेसिकली ये CCR के अंदर ये चीज़ होते हैं, तीन प्रकार को पंप। फिर है बैलेंस पंप्स, ये नंबर 1 बैलेंस पंप के लिए है, ये नंबर 2 बैलेंस पंप का है, वही सेम चीज़ें जो यहाँ पे, बस इसमें पॉज नहीं, ऑटोमेटिक अनलोडिंग सिस्टम नहीं है। पंप स्टार्ट इलेक्ट्रिक पंप है, स्टार्ट स्टॉप डिस्चार्ज प्रेशर सक्शन प्रेशर अमीटर, क्योंकि ये क्योंकि स्टीम ड्रिवन नहीं है, इलेक्ट्रिकल ड्रिवन है, तो ये करंट दिखाता है, ये टेम्परेचर्स दिखाता है। नंबर 1 बैलेंस पंप, नंबर 2 बैलेंस पंप। कार्गो स्ट्रिपिंग पंप जो कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ये भी इसका डिस्चार्ज प्रेशर सक्शन प्रेशर कितना करंट है कितने टेम्परेचर्स है, ये जो है कार्गो स्ट्रिपिंग इंडक्टर के लिए होता है, और ये बैलास्ट इंडक्टर स्टीम प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं कंट्रोल पैनल के बेसिक में। कंट्रोल पैनल पर कोई अलार्म आता है तो उसको रोकने के लिए, फ्लिकर स्ट्रोक अलार्म को एक्सेप्ट करने के लिए। अब ये थोड़े ट्रेडिशनल जो पाइपिंग सिस्टम है उससे थोड़ा अच्छा सिस्टम है, सारा सिस्टम जो पाइपिंग का है वो ये है, इसको हम डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज CCR फेमिलराइजेशन है, इसको डिटेल में नहीं करेंगे। तो जैसे ये है बैलास्ट का सिस्टम, बैलास्ट के लाइनिंग्स जो वाल्व रेड हैं वो बंद हैं, जो ग्रीन है वो खुले हुए हैं। अब जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ आपने नंबर 2 बैलास्ट पंप, तो ये नंबर 2 बैलास्ट पंप यहाँ पे है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, बेसिकली पंप CCR पंप रूम में है, तो ये पंप यहाँ पे है, आप यहाँ से स्टार्ट दबा सकते हो, पंप चल जाएगा, लाइन को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये डीबलास्टिंग बैलास्टिंग के काम आते हैं, जैसे कि ये 4 स्टारबोर्ड टैंक है, आपने इसको डीबलास्ट करना, आप ये वाल्व खोल दोगे, पानी यहाँ से इस लाइन में यहाँ जाएगा, पंप के सेक्शन में जाएगा, पंप चलेगा, पंप डिस्चार्ज करेगा, यहाँ से वो ये ओवरबोर्ड खोल देगा, पानी दरिया में चला जाएगा, ठीक है। ये है बैलास्ट की लाइनिंग, फिर ये है कार्गो की लाइनिंग पंप रूम के अंदर की, ठीक है। नंबर 1 पंप, नंबर 2 पंप, नंबर 3 पंप, तीनों के लाइनिंग। और ये है जो नेक्स्ट है वो है कार्गो टैंक्स की लाइनिंग, नंबर 1 विंग्स, नंबर 2 विंग्स, नंबर 3 विंग्स, नंबर 4 विंग्स, नंबर 5 विंग्स, नंबर 6 विंग्स, स्लॉप विंग्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो इसको, फिर उसके बाद पंप रूम से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इनका लाइनिंग। ट्रेडिशनल टैंकर पे क्या होता है, वो लाइन पैनल यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे ये इस सिस्टम के अंदर। फिर जो नेक्स्ट है मैं इसी पे दिखा देता हूँ, यहाँ से आप हाइड्रोलिक पंप चला सकते हो, बंद कर सकते हो, कि जो वाल्व कंट्रोल सिस्टम होता है वो हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर से चलता है, वो ये पंप्स हैं, नंबर 1 पंप, नंबर 1 पंप, नंबर 2 पंप। इसमें अगर कोई सिस्टम फॉल्ट है, कोई अलार्म फेलियर है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है, ठीक है। और ये पाइपिंग वगैरह सारा आप इस स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है लेवल गेजेस भी, मतलब कि जैसे कि ये कार्गो टैंक्स हैं, नंबर 1 विंग्स, 2 विंग्स, 3 विंग्स, 4 विंग्स, 5 विंग्स, 6 विंग्स, स्लॉप विंग्स, ये ड्राफ्ट गेजेस हैं। इस टाइम पे इस टैंक की साउंडिंग है 14.22, जो कि करीब 97 टैंक परसेंट भरा हुआ है, हाई लेवल अलार्म भी आ रखा है। और ये टैंक है, ये इसकी साउंडिंग है 14.2, हर जहाज़ पे एलएच दिया रहता है, लेकिन इस जहाज़ पे साउंडिंग्स दिए गए हैं। ये अलार्म फ्लिकर कर रहे हैं, इसका मतलब ये अलार्म अभी भी एक्टिवेटेड है, प्रेशर अलार्म आ रखा है, हाई लेवल अलार्म यानी कि 95, हाई लेवल यानी कि 98% ये अलार्म्स आ रखे हैं। ये टैंक्स को आप यहाँ से मोनिटर कर सकते हो। ये है बैलास्ट टैंक्स, इन बैलास्ट टैंक्स को मॉनिटर कर सकते हो। जहाज लोडेड कंडीशन में है, बैलास्ट टैंक्स खाली हैं, इसलिए आपको ये खाली दिख रहे होंगे। अगर ये भरे होंगे तो कार्गो की तरह ये ग्रीन ग्रीन भरे हुए दिखेंगे, फिलहाल ये खाली है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दो और स्क्रीन है, ये तीनों स्क्रीन इंटरचेंजेबल है बेसिकली। तो जो हम पहले स्क्रीन पे देख चुके वही चीज़ें आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये टेलीफोन है शिप का, इंटरकॉम, इंजन रूम से बात करनी है कैप्टन से, किसी से बात करनी है आप यहाँ से इससे बात कर सकते हो। टेलीफोन डायरेक्टरी है, ये साउंड पावर टेलीफोन है, इनकेस आपका ये फ़ोन फेल हो जाता है तो ये बैकअप होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए इसको गोल गोल घुमाओ, वाइंड करो, जैसे पुराने ज़माने में होता था, इसको यूज़ कर सकते हो। ये है VHF, इसको आप यूज़ कर सकते हो दूसरे शिप से कम्युनिकेट करने के लिए। इसकी रेंज होती है 30-50 नॉटिकल माइल्स, और ये किसी ने गॉगल्स रखा हुआ है बाहर धूप में जाने के लिए, ये भी पहन सकते हो। बेसिकली चीफ ऑफिसर का ऑफिस है, ठीक है। कीबोर्ड है, कैलकुलेटर है, ये कुछ अलार्म्स दिए रहते हैं। पंप रूम में जाओगे, पंप रूम के बिल्जेस के लिए अलार्म है, स्टोर की लाइटिंग है,
पंप रूम के ब्लोअर्स हैं वेंटिलेशन के लिए, ये ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, सीसीआर में होता है इसका कंट्रोल यहाँ पे, इसको भी एक दिन अलग से डिटेल में देखेंगे। और जगह जगह पे आप देखोगे कि बहुत सारे पेपर्स लगे हुए, इसको मैं कर्टन को बंद कर देता हूँ तो नहीं तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है देख रहा हूँ। फिर हर सीसीआर में आप ऐसे पेपर्स देखोगे बहुत सारे ऐसे, ये वॉकी टॉकी होता है हैंड हेल्ड रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। अगर मैं सुनाऊँ तो इसको ऐसे ऑन करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसको यहाँ से दबाइए PTT प्रेस टू टॉक बॉस कमेंट, ओके पंपी कमेंट, पंपी कमेंट। किसी के पास रेडियो है नहीं इस टाइम पे तो जवाब नहीं दे रहे, इससे ऐसे यूज किया जाता है। चलिए जवाब आ गया, पंपी रेडियो चेक, रेडियो चेक पंपी, ओके तो हमने कम्युनिकेशन चेक कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स देखे हैं आपने चिपके हुए, बेसिकली शिप के स्पेसिफिकेशंस के लिए हैं, जैसे कि जहाज के मैक्सिमम लोडिंग रेट्स, बैलास्ट के मैक्सिमम लोडिंग रेट्स, वेंटिंग सिस्टम, बैलास्ट सिस्टम, कार्गो सिस्टम, डेप्थ्स, ये क्या है डायमेंशंस ऑफ कार्गो एंड बैलास्ट लाइन्स। यहाँ पे इंजन रूम का अलार्म पैनल है कि इंजन रूम में जो अलार्म आएगी वो हमें CCR में पता चल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं क्लिनोमीटर। यहाँ से आप देख सकते हो कि जहाज में कितना लिस्ट है, किस तरफ झुका हुआ, ये घड़ी है, ये अलार्म है, फायर अलार्म सिस्टम। ये जेरोक्स मशीन है, बेसिकली चीफ ऑफिसर का ऑफिस टाइप है, इसको बोलते हैं लोडिकेटर, लोडिकेटर फैमिलाइजेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया था, वो लोडिकेटर है। और ये कंप्यूटर है जिसपे नॉर्मल ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, जो चीफ ऑफिसर की फाइलिंग सिस्टम होती है, ये पाइपलाइन के डायग्राम्स हैं, और ये मीटिंग रूम है। फिलहाल यहाँ पे गैस इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन चल रहा है, ये हम बाद में देखेंगे नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको देखा होगा ये ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि ये है मास्टराइजर का इंडिकेशन। मास्टराइजर वो है कि टैंक में जब प्रेशराइज हो जाता है तो आप ये वाल्व खोल देते हो, जिसको मास्टराइजर बोलते हैं। इसका एक इंडिकेशन रहता है कि कितना खुला है, ताकि डेक पे मैनुअल वाल्व है, ड्यूटी ऑफिसर को CCR में पता चल जाए कि ये कितना खुला है, अकॉर्डिंगली वो इसको एडजस्ट करवा सकता है डेक वॉच के पीछे। डेक पे IG वाल्व होते हैं, इस टाइम ग्रीन लगा हुआ है, इसका मतलब इसका IG वाल्व खुला है। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो यानी कि वन स्टार वो टैंक का IG वाल्व बंद है। सारे टैंक के IG वाल्व को हमेशा बंद करके लॉक ओपन कंडीशन में पोजिशन में लॉक किया जाता है, उसकी चाबियाँ हैं जो हमेशा चीफ ऑफिसर के पास रहती हैं। तो इस टाइम ये बंद है IG वाल्व, ऐसे इंडिकेशन। इसके अलावा बहुत सारे पोस्टर्स आपको देखेंगे यहाँ पे लगे हुए हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है जो याद रखने के लिए चीज़ें लिख दी जाती हैं, हर ड्यूटी ऑफिसर उसको समझ सके। और एक फ्रिज है छोटा सा, जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ रखने के लिए। फिलहाल हम सी में हैं तो कुछ रखा नहीं हुआ, पोर्ट में जाते हैं तो बहुत कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फैमिलराइजेशन के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो गैस इक्विपमेंट कैलिब्रेशन पे बनाएंगे। ये वीडियो मैंने इंटेंशनली हिंदी में बनाया, जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। दोज ऑफ यू हु वांट दिस वीडियोस टू बी इन इंग्लिश एंड टेल मी द नेक्स्ट वीडियोस आई कैन मेक इन इंग्लिश ऑल्सो। द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक इज बेसिकली ऑन कैलिब्रेशन ऑफ दिस गैस इक्विपमेंट, सो आई एम गोइंग टू डू दिस कैलिब्रेशन टुडे एंड आई विल शो इट टू यू गाइस हाउ टू डू द कैलिब्रेशन। Courtesy for this video is a third officer Prakash Mohanty, who has been helping me with this, and initially I show his face also. So I thank you Prakash for shooting this video for me, and I thank you everybody for watching this video. Please like and share and subscribe this channel and share the video with your friends. Thank you. See you again.